होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जो कार की बैटरी होती है, कार की बैटरी के ख़राब होने से हमारी कार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या बैटरी ख़राब है तो बैटरी को कैसे चेक करें, या बैटरी को कैसे पता करें कि बैटरी ख़राब है। क्योंकि क्या होता है कि बैटरी ख़राब होने के बाद भी सेल्फ लिखती है तो कार फिर भी स्टार्ट होती है, लेकिन बैटरी जो है एक्चुअली ये नहीं पता लगता कि कब ख़राब हो जाएगी। सो जो मेरी जो एडवाइस है वो मैकेनिकों के लिए भी यही है कि आप एवरी सर्विस जो है अपने कस्टमर की बैटरी को चेक करें, कार की बैटरी को चेक करें। बैटरी अगर रिप्लेसमेंट कंडीशन में है तो उसको बैटरी को रिसेंटली रिप्लेस करें। तो अब हम बात करें कि बैटरी के दो ही कंडीशन से ख़राब होती है ज़्यादातर बैटरी, कि या तो बैटरी ज़्यादा पुरानी हो जाए या फिर ओवरचार्ज वगैरह की ऐसी कंडीशंस आ जाती है। तो हम बात करेंगे कि बैटरी के ख़राब होने से क्या क्या कमी आ सकती है। सबसे पहले हमारी कार के अंदर बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम होता है, एयरबैग सिस्टम। सो गाइस, एयरबैग सिस्टम में अगर वोल्टेज थोड़े से भी लो डिटेक्ट करेगा तो वहाँ पे एयरबैग के अकॉर्डिंग कोड क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, ECM जो हमारा PCM होती है, जो पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे कोड क्रिएट हो जाते हैं, जैसे सिस्टम वोल्टेज टू लो, या फिर बहुत सारे इस तरह के कोड क्रिएट हो जाते हैं, या कोई चीज़ डिवाइस को प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुँच पाता तो वहाँ पर भी वो कोड क्रिएट कर देगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, चलो कोड की तो प्रॉब्लम आती आती है, लेकिन उससे भी जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो लेट स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है। अब उस लेट स्टार्टिंग में क्या होता है, कई मैकेनिक लोग क्या गलती करते हैं कि उस स्टार्टिंग रेट के लिए, स्पेशली डीजल कार में थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी का वो होता है, क्योंकि डीजल ज़्यादा एक हाई कंप्रेशन इंजन होता है, तो उसके लिए अच्छी बैटरी चाहिए होती है ताकि इंजन के अच्छे से राउंड बन सके। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बैटरी जब वीक होती है और हम मॉर्निंग के टाइम में कभी सेल्फ मारते हैं, तो सेल्फ मारने में क्या होता है कि सेल्फ जो है लोड लेता है और इंजन थोड़ा सा डिले स्टार्ट होता है। तो उस लेट स्टार्ट होने से क्या होता है कि अब कस्टमर जाएगा मैकेनिक के पास, उसको दिखाएगा कि सर मेरी कार जो है लेट स्टार्ट हो रही है। अब जिनको पता है, जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस कर रखी है, या जो लोग इंटेलिजेंट है, वो तो पहले बैटरी को ही चेक करेंगे, और जो बस ऐसे ही हैं अपना, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कहेंगे कि सर इसके इंजेक्टर वगैरह होंगे। ठीक है जी, कस्टमर ने इंजेक्टर भी करा देगा, और ये होता है एक्चुअली, ये चीज़ मैंने खुद फेस कर रखी है, मैंने खुद मैकेनिकों के साथ ये देखा हुआ है कि ख़राब बैटरी है, अपने इंजेक्टर भी क्लीन करा दिए, सेल्फ भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, और बाद में पता लगा कि इसकी बैटरी ख़राब थी। तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो गाइस, अभी क्या होता क्या है कि बैटरी के ख़राब होने से आपका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि आपकी जो स्टार्टिंग है, आप मतलब कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपने कई प्रकार खड़ी करी, और बैटरी क्या होता है, जब बैटरी वीक हो जाती है तो इट सेल्फ ड्रेन होने लगती है, यानी कि बैटरी खुद से खुद ही डिस्चार्ज होने लगती है। तो उस सिचुएशन में क्या आता, आप अभी 15 मिनट के लिए कहीं पे छोड़ के गए, आपने आकर सेल्फ मारा तो उस कार ने सेल्फ ही नहीं लिया, तो उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकेंडली क्या होता है, जब भी आप बैटरी वीक बैटरी पर सेल्फ मारते हो तो सेल्फ लोड लेता है, और सेल्फ के लोड लेने से क्या होता है, आर्मेचर वगैरह जो है फूक जाने के और उसके ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो यदि आपके पास कार है, आपके पास कार है तो आप प्लीज़ अपनी बैटरी को हर सर्विस पे आप चेक कराइए। जब भी आप 10,000 किलोमीटर या साल भर में आप जब भी आप उसकी सर्विस कराते हैं तो आप अपनी बैटरी को चेक कराइए, मैकेनिक को खुद एडवाइस कीजिए कि भाई मेरी बैटरी चेक कर। ठीक है, तो अब ECM में कोड कैसे क्रिएट होता है, जब भी हम क्रैंकिंग करते हैं, क्रैंकिंग के टाइम में जो हमारा ECM होता है, जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, अगर वो डिटेक्ट करता है कि क्रैंकिंग के टाइम वोल्टेज 10 से ब्लो है, यानी कि 10 वोल्टेज से नीचे जाते हैं, तो ECM में वो कोड क्रिएट कर देगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो है इस चीज़ पे ध्यान दें कि बैटरी आपकी हेल्थी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए भी अच्छी होती है और आपके इंजन के सेल्फ वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जिससे आप 2-3 प्रॉब्लम से बच सकते हैं, आपकी लेट स्टार्टिंग जैसे, और आप जैसे कहीं पर जाते हो सडनली आप क्रैंकिंग करते हो, क्रैंक नहीं होता, तो उस समय जो प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। अब बैटरी की कंडीशन में ख़राब होने में यही होता है कि बैटरी खुद से खुद डिस्चार्ज होने लगती है, या बैटरी चार्जिंग नहीं होती। तो आज मैं उसी के बाद मैंने एग्जांपल के लिए 2 बैटरी ली हैं, और उन बैटरी पे मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से बैटरी को आप चेक करें और बैटरी को रिसेंटली आप चेंज करें। बैटरी आपकी कार सेल्फ भी लेगी, लेकिन आपकी बैटरी अगर रिप्लेसमेंट कंडीशन में है तो आप उसको रिप्लेस कीजिए, क्योंकि पता नहीं वो आपको कब साथ छोड़ दें। सो ओके, देखते हैं बैटरी पे हम चेकिंग पे। सो गाइस, यहाँ पर अभी मैंने 2 बैटरी ली है आपको समझाने के लिए। और ये हमारे पास जो है टेस्टर है, बैटरी का एनालाइजर टेस्टर है। इसी की मदद से हम 2 बैटरी को चेक करने वाले हैं कि कौन सी बैटरी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है गाइस, तो इससे क्या होगा कि अगर आप मैकेनिक भी हैं तो प्लीज़ आप कोई भी बैटरी का टेस्टर खरीद लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी बैटरी को डिटेक्ट करने में। तो ठीक है गाइस, हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 पोल हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप पहले उनको जो है कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो है बैटरी
टेस्टिंग में चली जाएगी। तो बैटरी टेस्टिंग में जाने के बाद में हमें क्या करना होता है, जो ऐसे ही होता है उसमें फीड करना होता है, वो बैटरी पे लिखे हुए होते हैं कि बैटरी कितने एम्पियर हॉर्स पावर की है। तो ये 750 हॉर्स पावर की है, तो हम यहाँ पर 750 ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। तो 750 हम यहाँ पर जब कर देंगे, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी रेटिंग हमने भर दी। रेटिंग के बाद हम जाएंगे टेस्ट ऑप्शन पर, तो यहाँ पर हम इसको टेस्ट पर क्लिक करते हैं, तो टेस्ट बैटरी जो है टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। तो बैटरी हमारी टेस्टिंग हो गई, और बैटरी की टेस्टिंग में हमें क्या पता चला कि जो हमारी बैटरी है वो गुड है, लेकिन बैटरी को बैटरी रिचार्ज है, क्योंकि इसके ऐसे ही डाउन हो रहे हैं 625, सो प्रॉपर जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो बैटरी जो है रिचार्ज है। तो बैटरी को आप चार्ज कीजिए और फिर बैटरी आपकी गुड कंडीशन में आ जाएगी। फिर यहाँ पर ये आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी बैटरी ओके हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बैटरी रिचार्ज है तो ये भी आपको बता देगा कि बैटरी ये रिचार्ज है, और बैटरी की कंडीशन क्या है वो आपको इसने बता दी कि बैटरी अच्छी है लेकिन रिचार्ज करना पड़ेगा, वोल्टेज जबकि पूरे हैं, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करता है जो हमारा रेटिंग है, रेटिंग के अकॉर्डिंग ये डिटेक्ट करता है। तो अभी हम दूसरी बैटरी को चेक करते हैं। सो गाइस, सेम दूसरी बैटरी पे भी हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव पोल पे जो है दोनों क्लिप को लगाएंगे, उसके बाद में बैटरी एनालाइजर होगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम बैटरी के अंदर जो है इसके ऐसे ही फिट करेंगे। तो इस बैटरी को हम 550 पे चेक करते हैं, स्मॉल बैटरी, तो इसके अंदर जो हम ऐसे ही फीड करेंगे वो 550 फीड करेंगे, उसके बाद में फिर हम इसे रेटिंग भरने के बाद में टेस्टिंग पे छोड़ देंगे। अगर रेटिंग आपको अप एंड डाउन करनी है तो इसमें बटन दिए हुए होते हैं, तो यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम बैटरी को टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट के बटन पर हम प्रेस करेंगे, उसके बाद बैटरी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो ऐसे ही फीड किए थे, जो इसकी रेटिंग थी वो 550 थी, लेकिन यहाँ पर रेटिंग क्या है 225। तो बैटरी के वोल्टेज अभी भी पूरे हैं, बैटरी सेल्फ लेगी, जैसा मैंने बताया था बैटरी सेल्फ लेगी, बैटरी कब ख़राब हो जाएगी इसका कोई नहीं पता। तो बैटरी रिप्लेस, तो हमारा जो एनालाइजर है बैटरी का, इसके इंटरनल जो चेकअप है वो बोल रहा है कि बैटरी को रिप्लेस करें। तो ये बैटरी रिसेंटली आपको रिप्लेस कर देनी चाहिए, कि मैं ऑलरेडी इस बैटरी को रिप्लेस कर चुका हूँ, और दिखाने का समझाने का यही पर्पज़ था कि आप लोग भी इसी तरीके से और इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट बन के ही काम करें, किसी भी कार पे, किसी भी कस्टमर की कार पे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए लेकर के, ठीक है। क्योंकि जो डॉक्टर लोग भी होते हैं वो भी पहले मशीनों से चेक करते हैं, तभी जो है अगला काम करते हैं, या ऑपरेशन करना हो या कुछ भी करना हो, तो पहले आपके पास जो भी टेस्टर है, कुछ भी चीज़ है, आप टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद ही आप जो है नेक्स्ट ऑपरेशन कीजिए। सो ओके, थैंक यू गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज़। और गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइज़, और जो भी आपके कस्टमर्स हैं या आपके यार दोस्त पे किसी पे भी कोई कार हो, तो उनको शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी ऐसा कोई सीटेक वगैरह खरीद के अपनी बैटरी को घर पे चेक कर सके, क्योंकि कोई ज़्यादा महंगा होता नहीं है, आप अपने घर पे भी बैटरी को जो है चेक कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में।